मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र और आज हम जानेंगे टीडीएस वर्सेस टीसीएस। दोस्तों बहुत लोगों को मुश्किलें आ रही है टीडीएस और टीसीएस में। अब तो इसका एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। चाहे बैंक से पैसा निकालो या 50 लाख से माल ऊपर का बेचो, हर जगह टीडीएस और टीसीएस ही छाया हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसके बाद ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टीडीएस और टीसीएस के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। इनके डिफरेंस को भी जानेंगे क्योंकि टीडीएस एंड टीसीएस डिफरेंट होते हैं, तो कई लोग इनको एक जैसा ना समझे, ठीक है। तो हम आज हम इनके बारे में बताते हैं। टीडीएस ऐसा अमाउंट है टैक्स का दैट इज डिडक्टेड बाय बायर और पेयर। जो कौन डिडक्ट करता है दोस्तों? बायर पेयर डिडक्ट करता है। बायर कब डिडक्ट करता है? जब बायर बाय करता है एंड उस टाइम पे और या पैसा अमाउंट पे करता है बाय करने के बदले, तो उस टाइम पे वो टीडीएस काट लेता है, उसको पूरे पैसे नहीं देता है दोस्तों, पूरे पैसे नहीं देता है, ठीक है। और जो पैसा काटता है वो डिपार्टमेंट में जमा करा देता है दोस्तों। इसके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो सेक्शन है 194। इसके अंदर 192 भी है, ठीक है ना, जो सैलरी के रिगार्डिंग है, बट मेनली 194 है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे 194C, IJ, KL, MNOP, ठीक है ना दोस्तों। तो मेनली जो है आपको याद रखना, 194 आपको दिख गया तो समझो आपको टीडीएस कट गया। अब टीसीएस क्या है दोस्तों? अगर सेलर काटे, ठीक है ना, सेम अमाउंट अगर देखो टीडीएस की, देखो कोई अमाउंट अगर सेलर काटे रिसीवर काटे, जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदने गए, अगर गाड़ी आपकी 10 लाख के ऊपर होगी तो सामने वाला आप देखो, तो आप खरीद रहे हो ना, आप पे भी कर रहे हो लेकिन आपको टीसीएस भी जमा करना होगा, तो आपसे दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज लेगा सेलर, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को जमा करेगा दोस्तों। सेक्शन क्या है इसका? 206। मेनली जो सेक्शन है 206 है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, 206I, बहुत सारे सब सेक्शन है। तो आपको मेनली जो याद रखना है 206, जहाँ पे लग गया वहाँ पे आपका टीडीएस कट गया दोस्तों। उसको मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा दोस्तों। ये है बायर और पेयर। जब बायर क्या करता है, पैसा देता है सेलर को, तो उस टाइम पे टीडीएस काट के वो कहाँ जमा करा देता है? गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से हमारा जो है टीडीएस यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, तो इसी को हम टीडीएस बोलते हैं दोस्तों। तो सेम केस अगर हम लें सेलर का, तो सेलर के केस में क्या होता है, जब सेलर माल बेचता है तो सामने क्या करता है, यहाँ से टीडीएस काट के इस तरीके से यहाँ जमा करा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे टीसीएस आ रहा है। तो दोस्तों अगर कोई भी अगर मुश्किल आए समझने में टीडीएस और टीसीएस को, तो आप जरूर कमेंट करके लिखना, मैं इसमें डिटेल आपको और चीजें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों।